यहाँ पे हम अभी कोडिंग कर रहे थे, जब ये इंटरनेट ब्रेक डाउन कर गया, सबसे पहले हमने इसमें इनपुट लिया, उसके बाद हमने एक नंबर जो है वो इनपुट किया, जिसको हम सर्च करेंगे कि वो इस अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अब इसके बाद हम चेक करने जा रहे थे कि क्या वो इसमें इस अरे में है। आपने ये दो फॉर लूप लगाए हैं, इसके बाद आपने लिखना है इफ वैल्यू इज इक्वल टू, या VAL जो हमारा सर्चिंग नंबर है, इफ इट इज इक्वल टू वैल्यूज एट M एंड N, कि अगर ये मैच करता है तो यहाँ पे एंड इफ उसने लगा दिया। अब हमारे पास एक डिम, इसमें हम सेव करते हैं डिम रिजल्ट एज बूलियन, ये हमने यहाँ पे रख लिया। और अगर तो वो मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि रिजल्ट के अंदर यस सेव कर दो या ट्रू। और अगर वो नहीं मिलता, यहाँ पे एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम स्टार्ट में इसको सेव कर लेते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसमें ये सेव करते हैं द रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। यानी शुरू में हमने ये यहाँ पे ये कैलकुलेशंस में एज्यूम कर लिया कि हमारा जो नंबर है वो नहीं मिला, और रिजल्ट में फॉल्स रख दिया। उसके बाद जब आपने यहाँ पे ये चेकिंग की कि क्या वो उसमें है या नहीं, तो यहाँ पे हमने लिखा कि इफ द वैल्यू इज इक्वल टू एट वैल्यूज एट वन एंड वन, कि अगर पहली लोकेशन जो मैट्रिक्स की है अगर वो मैच करती है वैल्यू के साथ, तो रिजल्ट को चेंज करके उसमें ट्रू सेव कर दो। अगर तो मैच होगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, वरना ये मूव करके दूसरे चेक पे आ जाएगा, और दूसरे चेक में ये दोबारा देखेगा, इस तरह ये 9 टाइम्स कंपैरिजन करेगा। अगर एक दफा भी मैच होता है तो रिजल्ट में फिर ट्रू सेव रहेगा। अब इसमें इसको प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे हमने ये सब कुछ पहले से कोड कर लिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इसको चेंज करना है। और हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन द स्टेटस ऑफ वैल्यू चेकिंग इज, इसमें हमने वो स्टेटस को एलैबोरेट करना है। और यहाँ पे आप लिखते हैं एंड लगाएं पहले, और फिर आपने रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स रखा हुआ है, हम वही प्रिंट करा देंगे कि ट्रू या फॉल्स। अब इसमें उसने चेक करना है इसको, इसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमास दें और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का स्ट्रिंग बना दें द स्टेटस ऑफ द वैल्यू चेकिंग इज, और इसके साथ में ये ट्रू या फॉल्स बताएगा डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। इसको प्ले करते हैं एक दफा, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है, कोई मिस्टेक है या नहीं है। इसकी स्क्रीन को इसमें इंपोर्ट करते हैं, ये रिजल्ट आ गया, ये हमारी रिजल्ट स्क्रीन है। और अब यहां से मैं इसको चेक करता हूं, मुझे 9 वैल्यूज देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद वो कहता है कि अब आप बताएं आपने क्या सर्च करना है। मैं उसको कहता हूं मैंने 55 को सर्च करना है, तो उसने मुझे बता दिया कि द स्टेटस ऑफ द वैल्यू चेकिंग इज फॉल्स। वो 9 कंपेरिजन्स में से हर एक का रिजल्ट हमें दे रहा है। अब इसकी तो इसको देखते हैं कि ये 9 टाइम्स क्यों आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको लूप के अंदर लगा दिया है। इसको यहां से क्लोज करें, वापस वीबी में आए, ये वीबी ओपन हो गई, और मुझे तो लास्ट रिजल्ट चाहिए, सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस फॉर लूप। यहाँ पे इस फॉर लूप की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट रिजल्ट चाहिए। दोबारा प्ले करें, ये यहाँ से इसको दोबारा शेयर करेंगे, और इधर अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 वैल्यूज बता दी।
और मैंने 5 को सर्च करना है और उसने अब मुझे प्रॉपर रिजल्ट दिया है. द स्टेटस ऑफ द वैल्यू चेकिंग इज ट्रू. क्यों? द 5 इज देयर इन द एरे. उसने ढूंढ लिया उसको. इसी तरह अगर हम फॉल्स वैल्यू देते हैं, एक दफा फिर इसको प्ले करेंगे, ये यहां से दोबारा वीबी में आगे और इसको फिर से प्ले किया, यहां से इसकी रिजल्ट स्क्रीन ले ली और अब मैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और मैंने सर्च करवाया 20 को और उसने रिजल्ट मुझे बताया है द स्टेटस ऑफ द वैल्यू चेकिंग इज फॉल्स. आप कोई और स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है, हमारा टास्क उसने कंप्लीट किया है, कोडिंग काम कर रही है. वापस वीबी में आए, इस आउटपुट स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं और ये कोडिंग में आ जाते हैं. जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ये प्रोग्राम 100% सेटिस्फाई कर रहा है. अभी मैंने देखा है उसैद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं एक मिनट में दोबारा रिवाइज कर देता हूँ. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 3x3 अरे मैट्रिक्स के 9 इनपुट्स लेता है हमसे पहले, ये उसके 9 इनपुट्स को देने की कोडिंग है. उसके बाद ये हमसे एक नंबर पूछता है कि बताएं, कोई नंबर बताएं जो आपने अरे में सर्च करना है. फिर हम वो नंबर बताते हैं. उसके बाद ये फॉर लूप्स के साथ उस पूरी अरे को सॉर्ट आउट करके देखता है कि क्या आपने वो नंबर जहां पे फाइंड कर ली, मतलब कि क्या वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. अगर तो उसको वो नंबर मिल जाता है तो वो बूलियन वैल्यू एक हमने बनाई है रिजल्ट, जिसको हमने शुरू में फॉल्स कर दिया था. अगर तो मैच हो जाएगा तो वो उसको ट्रू कर देगा और अगर 9 कंपेरिजन में मैच नहीं होता तो वो उसको फॉल्स ही रहने देगा. और लास्ट लाइन में यहाँ पे आके हम अपना रिजल्ट प्रिंट करवा लेते हैं. यही हमने अभी रिजल्ट स्क्रीन में देखा भी है. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें आपको सर्चिंग टेक्निक बताई है. तो ये दो जरा लेंथी एग्जाम्पल्स हैं आज की, इनको अंडरस्टैंड करें. ऑनलाइन में भी आ जाएगा ये यूट्यूब पे और आपका जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा. इसी मैं अभी दोबारा क्वेश्चन आंसर के सेशन में आता हूँ और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ.